पूर्णिया नगर निगम में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि नगर निगम में दूसरे चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके नामांकन के लिए प्रथम दिन 16 सितंबर को पूर्णिया समाहरणालय परिसर में प्रत्याशियों एवं समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। सुरक्षा की दृष्टिकोण से समाहरणालय परिसर के दोनों गेट पर बैरिकेडिंग की गई है। नामांकन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखी। नामांकन के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रस्तावक और समर्थक के साथ समाहरणालय परिसर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी राजकुमार यादव ने नामांकन के लिए पर्चा भरा। नामांकन के बाद समर्थकों द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं समाहरणालय परिसर से बाहर निकलते ही वार्ड पार्षद प्रत्याशी राजकुमार यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी राजकुमार यादव ने बताया कि जिस तरह लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता आया है, उसी तरह आगे भी आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही संकल्प है, पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। एजेंडा 40 नंबर में कोई एजेंडा नहीं है, राजकुमार यादव ही एजेंडा है। एजेंडा कुछ नहीं है, मैंने 40 नंबर जनता के लिए हर समय खून का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, कोई आदमी कहीं से कोई पराया नहीं है, मेरा सब अपना है। इसलिए मैं सुनिश्चित रूप से वार्ड नंबर 40 को जनता को ही है बधाई दूंगा और जीत भी उन्हीं का होगा। नंबर के जनता, आप जनता से बात कर लीजिए, हमसे कुछ बात नहीं करना है। 40 नंबर के लिए अपना ब्लड तक को डोनेट करते रहा हूं और आगे भी समय मिलेगा करते रहूंगा।